सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द कार शो बाय अर्श जॉली वंस अगेन। और आज हम करने वाले एक डिटेल्ड वॉक अराउंड रिव्यू 2023 की नई टाटा पंच के प्योर बेस वेरिएंट का। यह है BS6 फेस 2 इंजन कंप्लायंट गाड़ी, जिसमें कुछ अपडेट्स भी करे गए हैं। एंड ये इसका मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा गुड लुकिंग कलर है। ग्रे स्टोन में ही कलर जो है आता है, एंड बेस वेरिएंट होते हुए भी ये एक बेस वेरिएंट वाली फील जो है उसको एकदम दूर कर देता है। तो ज़रूर अंत तक बने रहिएगा। इस गाड़ी के बारे में छोटी छोटी और बड़ी सी बड़ी हर डिटेल के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। ऑन रोड प्राइस के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ आर्या टाटा सेक्टर 14 गुड़गांव में। इनका नया डीलरशिप जो है अभी यहाँ पे फिलहाल ही ओपन हुआ है। बेस्ट डील्स एंड क्विकेस्ट डिलीवरी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट करिए। मेरा रेफरेंस देंगे तो जो भी बेस्ट पॉसिबल डिस्काउंट्स एंड क्विकेस्ट डिलीवरी हो पाएगी वो आपको डेफिनेटली ऑफर करी जाएगी। अगर आप चाहते हैं मुझसे कंसल्टेंसी लेना, आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, वहाँ पर मुझे मैसेज ड्रॉप करिए सो दैट वी कैन गेट ऑन अ कॉल एंड हेल्प यू बाय द बेस्ट कार अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। फिलहाल बिना किसी देरी के बढ़ते हैं सीधा वीडियो के अंदर। शुरुआत करते हैं इस गाड़ी की चाबी से। तो आपको यहाँ पर रिमोट सेंट्रल लॉकिंग नहीं मिलती, काफ़ी बेर एंड बेसिक की फॉब है। एंड सिंस ये प्योर वेरिएंट है, इसमें आप प्योर रिदम भी खरीद सकते हैं चाहें तो। उसमें आपके लिए स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स, 4 स्पीकर्स और एक 2 डिन का म्यूजिक सिस्टम जो है हारमन की तरफ से वो एड ऑन हो जाएगा। फिलहाल इस बेस वेरिएंट की बात करते हैं। BS6 फेस 2 इंजन कंप्लायंट में जो है 88 PS की पावर अब आपको ऑफर करी जाती है, अलॉन्ग विद 115 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। इंजन सेम है, 3 सिलेंडर का 1200 cc का पेट्रोल इंजन है, विच हैज़ बिन ब्रांडेड एज द रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन। बट पावर में यहाँ पे इजाफा हुआ है, पावर जो है यहाँ पे इंक्रीज हुई है। एंड उसके साथ साथ इसका जो इनिशियल पिकअप है वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हुआ है अलॉन्ग विद दी NVH लेवल्स। अब आपको 3 सिलेंडर होते हुए भी इस गाड़ी में वाइब्रेशंस कम फील होंगी। आपको रिसेंटली मैंने अपनी वीडियोस में बताया भी था कि टाटा पंच के प्योर वेरिएंट के अंदर से जो आइडल स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी का बटन है उसको रिमूव कर दिया गया है, बट अब इसको फिर रीइंट्रोड्यूस कर दिया गया है BS6 2 इंजन के अंदर। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं फ्रंटल फैशिया से कि आपको यहाँ पर क्या कुछ ऑफर किया जाता है। ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर स्प्लिट हेडलैम्प सेटअप मिलता है बेसिकली, जिसमें यहाँ पर आपको DRL की जगह, जो टॉप वेरिएंट्स में आपको DRL यहाँ पर दिखती है उसकी जगह आपको यहाँ पर एक हैलोजन बल्ब मिलेगा लाइक अ पार्किंग लैम्प। यहाँ पे हैलोजन बेस्ड जो है इंडिकेटर आपको दिखने वाला है। मेन प्राइमरी हेडलैम्प सेटअप जो है वो है रिफ्लेक्टर बेस्ड हैलोजन हेडलैम्प सेटअप आपको यहाँ पे मिलेगा। एंड यहाँ पे फॉग लैम्प्स नहीं मिलते आपको, तो फॉग लैम्प्स आप आफ्टर मार्केट या कंपनी से डीलरशिप से ही इंस्टॉल करवा सकते हैं। लो बम्पर पे आपको ट्राई एरो एलिमेंट्स मिलते हैं, ऐसा कुछ जो रेडिएटर ग्रिल का डिज़ाइन है वो रखा गया है। अगेन ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे लोगो मिलने वाला है, एंड पियानो ब्लैक में जो ग्रिल है यहाँ पे रखी गई है। ट्राई एरो एलिमेंट्स आपको यहाँ पर भी दिखाई देंगे, एंड ये जो हॉर्न है कुअर की तरह से यहाँ पे लगाया गया है, एंड आपको थोड़ी सी झलक है उसकी यहाँ पर दिखने वाली है। ओवरऑल अगर आप वन फ्रेम व्यू लेंगे इस गाड़ी का तो गाड़ी बहुत इम्पोजिंग लगती है, एंड एक SUV वाला स्टांस जो है बेशक इसको यहाँ पर दिया गया है। बॉडी ग्लाइडिंग ऑल थ्रू आउट मिलती है, एंड 187 mm की लगभग जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको यहाँ पर दी गई है। टायर साइज़ जब आप देखेंगे तो 185/70 R15 15 इंच के यहाँ पे स्टील रिम्स ऑफर करे गए हैं, ये हाफ व्हील कैप्स के साथ यहाँ पर मिलते हैं। एंड आई एम सॉरी, गाड़ी थोड़ी सी गंदी है अभी क्योंकि फ़िलहाल बारिश का मौसम है, गाड़ी स्टॉकयार्ड से ही आई है। पीछे की तरफ एक बारी मैं आपको साइड क्वार्टर व्यू दिखाता हूँ इस गाड़ी का, ऐसा कुछ जो व्यू है आपको यहाँ पर मिलने वाला है। हैलोजन बेस्ड टेल लैम्प क्लस्टर है, ऐसा कुछ यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं किया गया है। पंच की यहाँ पे लेटरिंग आपको मिलती है, एंड 2 पार्किंग सेंसर्स लोअर बम्पर पे लगाए गए हैं। एंड आपको इस बेस वेरिएंट में रिवर्स लैम्प यहाँ पर मिलता है, बट हायर ट्रिम्स में बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टर दिखाई देगा, यहाँ पे रिफ्लेक्टर लगाया गया है। ट्राई एरो एलिमेंट्स आपको हर जगह दिखेंगे, एंड रियर वाइपर या डिफॉगर आपको यहाँ पर नहीं मिलता। हाई माउंट ब्रेक स्टॉप लैम्प यहाँ पर आपको दिया जाता है। बूट को अगर ओपन किया जाए तो लगभग 366 लीटर्स का बूट स्पेस है। पार्सल शेल्फ आपको यहाँ पर लगी हुई मिलती है। एंड अब आपको पता होगा टाटा मोटर्स जो टायर मोबिलिटी किट है वो ऑफर करता है अपनी गाड़ियों में स्टैंडर्ड, वो आपको यहीं पर दिखाई देने वाली है। प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो थोड़ा सा लोडिंग लिप आपको लगेगा, तो सामान निकालने एंड डालने में थोड़ी सी मशक्क़त आपको करनी पड़ सकती है, बट उसके अलावा यहाँ पे जो डेप्थ है वो ज़रूर अच्छी रखी गई है। बेंच फोल्डिंग सीट्स हैं तो आप इन सीट्स को फोल्ड कर सकते हैं। ऊपर की तरफ
यहाँ पर आपको कारपेटिंग मिलती है, तो एक्सपोज्ड वायर्स यहाँ पे नहीं है, एंड जो नंबर प्लेट लैम्प्स हैं वो LED बेस्ड हैं, विच इज़ अ नाइस टच डेफिनेटली। वोकल फॉर लोकल की यहाँ पे बैजिंग मिलती है, हाई माउंट डेस्क टॉप लैम्प आपको मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, कोई भी रूफ रेल्स आपको यहाँ पर इस वेरियंट में नहीं दिखाई देंगे, एंड इसका जो रेयर डोर है आपको अभी तक तो पता ही होगा कि ऐसा कुछ खुलता है, ऊपर इसका जो डोर हैंडल है मिलता है सी पिलर के, एंड 90 डिग्री ओपनिंग डोर्स हैं। सो आप देख सकते हैं इस गाड़ी के अंदर इंग्रेस करना और एग्रेस करना बेहद ही आसान है, एंड दिस इज़ ओइंग टू द अल्फा आर्किटेक्चर जो टाटा एल्ट्रोज में भी आता है, तो उस प्लेटफॉर्म के कारण ही टाटा मोटर्स इस गाड़ी की जो स्ट्रक्चर है उसको ऐसे डिज़ाइन कर पाता है कि 90 डिग्री ओपनिंग डोर्स आपको इस गाड़ी में मिलते हैं, विच इज़ फॉर श्योर वन ऑफ द हाइलाइट्स। 37 लीटर्स का फ्यूल टैंक है, एंड रेयर में आपको ड्रम ब्रेक्स मिलती हैं, हाउएवर आगे आपको डिस्क ब्रेक यूनिट ही मिलेगा। 5-स्टार ग्लोबल एनकैप रेटेड गाड़ी है ये, तो स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी के मामले में कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं लगने वाली। फिलहाल बढ़ते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर्स में, वहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि फीचर्स कैसे कुछ आपको दिए जाते हैं इस प्योर वेरिएंट के अंदर। तो ये हैं कुछ इंटीरियर्स BS6 फेज 2 कंप्लायंट पंच प्योर वेरिएंट के। अब मैं एक बार गाड़ी को स्टार्ट कर देता हूँ, तो आपको क्लच दबाना पड़ेगा, एंड गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। अब एक मिनट के लिए मैं चुप रहूँगा, एंड आप एक बार नोटिस करिएगा कि NVH लेवल्स में क्या कुछ यहाँ पे जो इम्प्रूवमेंट है आया है। पहले के कंपैरिजन में शायद आपको पता लग रहा होगा कैबिन की आवाज़ के अंदर से ही NVH लेवल्स काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुए हैं। अगर मैं गाड़ी को रेव भी करूं तो आपको एक 4-सिलेंडर टाइप ही जो फीलिंग है यहाँ पे आएगी, कहीं भी ऐसा इन द फेस नहीं फील होने वाला कि आप किसी 3-सिलेंडर इंजन की गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं। टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील है, लेफ्ट को वाइपर रिलेटेड कंट्रोल्स हैं, राइट हैंड साइड को हेडलैम्प के रिलेटेड टॉगल्स हैं। बाकी राइट हैंड साइड को जैसा मैं आपको बता रहा था, अब इको मोड एंड आइडल स्टार्ट स्टॉप आपको दोनों मिलते हैं। पहले आइडल स्टार्ट स्टॉप को हटा दिया गया था, बट आपको अब ये यहाँ पर मिलने वाला है। तो ये BS6 फेज 2 के अंदर जो बदलाव है आपको मिलेगा। कोई भी स्पीकर्स नहीं है बिकॉज इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको यहाँ पर नहीं मिलता। उससे पहले आपको इंस्ट्रूमेंट पैनल जो है दिखा देता हूँ, बिकॉज यहाँ पर ये आपको काफ़ी इंप्रेसिव लगेगा, बिकॉज आपको यहाँ पे प्रॉपर MID मिलती है, टैकोमीटर भी है, स्पीडोमीटर भी है, नो कॉस्ट कटिंग योर एवरेज फ्यूल इकोनॉमी ट्रिप AB एक्सेट्रा में आप यहाँ से स्विच कर सकते हैं, एंड अगर आपको टाइम वगैरह डेट सेटिंग्स चेंज करनी है तो आप यहाँ से कर पाएंगे। तो दोनों ही टॉगल जो हैं वो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। अब बीच में इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको नहीं मिलता, आप लगवा सकते हैं कंपनी से ही। एंड्रॉयड सिस्टम्स का जो ऑप्शन है आपको यहाँ पर दिया जाता है। एक्सेसरीज़ में ऑफिशियली शोरूम से ही जो है मैं बात कर रहा हूँ, एंड यहाँ पर आपको AC वेंट्स के अराउंड पियानो ब्लैक फिनिश मिलती है। ऐसा नहीं है कि कोई सस्ता प्लास्टिक यहाँ पे लगा दिया गया है, प्लास्टिक क्वालिटी इनफैक्ट अक्रॉस द वेरिएंट सेम रखी गई है। तो आपको अगर आप इंफोटेनमेंट सिस्टम लगवा लेते हैं तो इंटीरियर्स में एज सच कोई कमी लगेगी नहीं एज अ बेस वेरिएंट, एंड दिस मेक्स दिस वेरी वेरी वैल्यू फॉर मनी। यहाँ पे वाइट कलर के प्लास्टिक्स हैं, बट आपको ट्राई एरो एलिमेंट्स यहाँ पे मिलते हैं। बहुत ही प्रॉपर लेयरिंग यहाँ पे करी गई है। दो एयरबैग्स, ABS, EBD जैसे फीचर्स जो हैं वो आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं। इसके अलावा ग्लव बॉक्स अगर मैं आपको दिखाऊं तो ग्लव बॉक्स ऐसा कुछ आपको मिलता है, ट्विन लेयर्ड ग्लव बॉक्स है, ऊपर टैबलेट होल्डर है, नीचे डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर रख सकते हैं। कूल फंक्शनैलिटी आपको नहीं मिलती। यहाँ पर AC वेंट्स का डिज़ाइन आप जब देखेंगे आपको बहुत बढ़िया लगेगा, बिकॉज ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट जैसा ही दिखता है, हालांकि है मैनुअल स्पेस वेरिएंट में, बट इसको डिज़ाइन ऐसा किया गया है कि ये अच्छा लगता है देखने में। यहाँ पर आपको सिंगल डिन म्यूजिक सिस्टम लगाने की जगह मिलती है, थोड़ी बहुत कभी स्पेस है, रिवर्स पार्किंग सेंसर जैसा मैं आपको बता चुका हूँ आपको मिलते ही हैं, बट गियर नॉब यहाँ पे थोड़ा सा फीका आपको लग सकता है। एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है, यहाँ पे यू गेट स्टोरेज स्पेसेस। IRVM अनफॉर्चुनेटली आपको मैनुअली डिमिंग भी नहीं मिलता, तो ये एक चीज़ है जो आपको थोड़ी डिसअपॉइंट कर सकती है। यहाँ पे रीडिंग लैम्प आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, आपको ज़रूर यहाँ पे जो सन वाइज़र है मिलेगा विदाउट एनी वैनिटी मिरर, एंड यहाँ पर आप ऐसा कुछ जो है सन वाइज़र जो है देख पा रहे होंगे। तो ये था टाटा पंच प्योर का BS6 फेज 2 इंजन कंप्लायंट इंजन। कोई भी रियर AC वेंट्स आपको नहीं मिलते हैं, एंड पीछे की तरफ सेकेंड रो सीट्स में कोई भी बदलाव नहीं है, एंड आप चाहें तो यहाँ पे ट्वीटर्स एंड स्पीकर्स एक्सेट्रा हर चीज़ इंस्टॉल करा सकते हैं, उसकी आपको जो कमी है बिल्कुल भी नहीं लगेगी। फ्रंट डिफॉगर यहाँ पर दिया गया है, एंड जहाँ तक AC कंट्रोल्स की बात है आप फैन स्पीड यहाँ से
कंट्रोल कर सकते हैं। एसी हीटर जैसी बेसिक फंक्शनैलिटी आपको मिलती ही मिलती है यहाँ पर। सिर्फ फ्रंट टू पावर विंडोज़ हैं, दिस इज समथिंग दैट यू शुड नोटिस ओवर हियर। बाकी आप यहाँ पर भी ट्वीटर्स इंस्टॉल करा सकते हैं, डिपेंड्स कि आप कहाँ पे कराना चाहते हैं। एंड बस एक छोटी सी कमी मुझे यहाँ पे लगती है, डोर हैंडल का जो डिज़ाइन है, लॉक एंड अनलॉक यहाँ पे बहुत जल्दी आसानी से बच्चे कर देते हैं, तो ये एक डिज़ाइन फ्लो है जो मुझे थोड़ा सा लगता है। इसके अलावा दिस इज़ अ वेरी गुड वेरियंट टू परचेज। कमेंट करके बताइए आपको वैल्यू फॉर मनी लगा ये बेस वेरियंट या नहीं। एंड पंच की NVH लेवल्स थोड़ा सा पहले इश्यूज होते थे, अब बहुत ज़्यादा हद तक टाटा मोटर्स ने इसको इम्प्रूव कर दिया है, सो फुल मार्क्स टू देम ऑन द मैकेनिकल पार्ट। कमेंट करके अपने जो ओपिनियंस हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, माई आईडी इज़ द कार शो अंडरस्कोर बाय अर्श जॉली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।